फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ये है लेकमे रोज पाउडर विद सनस्क्रीन आज मैं इसी का रिव्यू करने वाली हूँ एक्चुअली इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो मेरे पास काफ़ी कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यह है लेकमे रोज पाउडर विथ सनस्क्रीन इसमें दो शेड्स अवेलेबल हैं सॉफ्ट पिंक और वार्म पिंक मेरा शेड है जीरो सॉफ्ट पिंक फेयर स्किन टोन के लिए सॉफ्ट पिंक है और वीटेस्ट टू डार्क स्किन टोन के लिए पिंक शेड है ये रुपीज़ वन में ऑनलाइन ईजिली आपको मिल जाएगा और इसकी क्वांटिटी है फोर्टी ग्राम प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी इसकी बहुत अच्छी है और इसकी सेल्फ लाइफ टू ईयर है ये रोज पाउडर विथ सनस्क्रीन है जो कि बेस्ट पार्ट है बट इसमें कितना एस है वो इसमें मैंशन नहीं किया गया है अगर इस लूज़ पाउडर की पैकेजिंग की बात की जाए तो जैसे लैकमे के प्रोडक्ट के कलर होते हैं ना इसका भी बिल्कुल वही कलर है और इस तरह से ये ओपन होता है इसके साथ आपको एक पफ मिलता है उसके बाद ये इस तरह से ओपन करने का है अगर आप इसको हटाएंगे तो इसके अंदर आपको फाइव छोटे छोटे होल मिलेंगे जो कि पाउडर निकालने के लिए हैं लेकिन मैं उस तरह से यूज़ नहीं करती हूँ मैं इसको पूरा ओपन करके ही यूज़ करती हूँ ये लूज पाउडर फाउंडेशन को बहुत अच्छे से सेट कर देता है बिल्कुल अगर आप कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे ना तो उसके बाद थोड़ा सा केकी फ़ेस हो जाता है लेकिन अगर आप इस लूज़ पाउडर को यूज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छा सा फ्लॉलेस लुक आता है और इसकी स्मेल बहुत ही फ्रेश रोज़ी स्मेल है जो कि मुझे बहुत पसंद है पफ़ की क्वालिटी भी अच्छी है मतलब बिल्कुल सॉफ्ट है लेकिन आप ब्रश अगर यूज़ करेंगे ना तो मतलब आपका मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे ना तो इसमें से पाउडर निकलता है आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे होल दिए हुए हैं लेकिन इसको आप ओपन कर लीजिए और ओपन करके ही इसको यूज़ करिए मैं तो हमेशा इसको ओपन करके ही यूज़ करती हूँ और इस तरह से निकल जाता है पर इसमें ना थोड़ा सा पाउडर लगा रहता है जिसकी वजह से थोड़ा वेस्ट होता है आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा पिंकिश है तो जिसकी वजह से ना बहुत अच्छा सा पिंकिश ग्लो देता है अगर आप मेकअप ना भी करें और सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा लें फेस पे उसके बाद इसको अप्लाई करें तो भी बहुत अच्छा सा आपका ना एक बेस कंप्लीट हो जाता है अगर डेली बेस पे आप सिर्फ सीसी क्रीम या बीबी बी क्रीम यूज़ करते हैं तो उसके बाद ब्रश की हेल्प से इस पाउडर से अपने मेकअप को सेट कर लीजिए दो से तीन घंटे तक आपका फेस ना आपका मेकअप भी सेट रहेगा और आपका फेस बिल्कुल स्वेट प्रूफ रहेगा और बहुत अच्छा सा ना इससे ग्लो आता है मैं आपको लगा के दिखाती हूँ मेरे हाथों में इस समय कुछ भी नहीं लगा हुआ है मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा मैट फिनिश देता है ये और हल्की सी ना शाइन भी आ जाती है और इसको लगाने के बाद ना बिल्कुल भी फेस पे वो वाइटिश और वैसा नहीं होता कि मतलब सफ़ेद सफ़ेद लग रहा हो कि कुछ लगाए आप मेरे दोनों हाथों में डिफ़्रेंस देख सकते हैं और इसको आप रीअप्लाई भी करेंगे ना फिर भी बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि फ़ेस पर कुछ लगा हुआ है या पाउडर जैसा लगा हुआ है बहुत अच्छा सा पिंकिस ग्लो आता है है और बिल्कुल ना यह आपके मेकअप को फ्लॉलेस कर देता है यह ऑयली स्किन टोन के लिए तो बहुत ही अच्छा है और यह पाउडर ना बहुत सॉफ्ट है तो अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो एक्सीलेंट है इसकी क्वालिटी देखिए मैं री अप्लाई कर रही हूँ लेकिन उसके बाद भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ऊपर से आपने कुछ भी लगाया हुआ है जब से मैं इसे यूज़ करने लगी ना तब से मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ करना ही बंद कर दिया अगर आपको अपने मेकअप को सेट करना है और लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो आप इस लूज़ पाउडर को यूज़ करिए इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है लूज़ पाउडर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सॉफ़्ट है ये स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और मे, आपके मेकअप को लॉक कर देता है और लॉन्ग लास्टिंग बना देता है स्वेट प्रूफ है और ऑयली स्किन के लिए ना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप कंसीलर यूज़ करते हैं और उसके बाद इसको अप्लाई कर लीजिए तो आपको ना बिल्कुल फ्लॉलेस लुक मिलेगा अगर आप कम प्राइस में एक अच्छा लूज़ पाउडर चाहते हैं तो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू प्राइस और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और इसी तरह की यूजफुल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय